सवाल यह है आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 43 में वेरी शॉर्ट की ड्रॉ द लाइन ऑफ फोर्स टू रिप्रेजेंट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको लाइन ऑफ फोर्स तो बनानी पड़ेंगी, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी पड़ेंगी। तो उसको आप कैसे बनाकर दिखाओगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए? तो आपको अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इसमें ये बात ध्यान रखनी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस हैं। इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये है कि अगर ये डिस्टेंस डी है तो ये भी डी होगी। तो ईच एंड एवरी लाइन ऑफ फोर्स के बीच का जो गैप है वो भी फिक्स रहेगा। तो ये इस तरह का जो फील्ड कहलाता है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। होप सो समझ में आ गया होगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ये है कि ये जो फील्ड है एक्चुअल में जो रिप्रेजेंट किया गया है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं एक दूसरे के पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस होती हैं। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। होप सो ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। तो आप इसको समझें, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा रहे हैं तो आप क्यों खराब कर रहे हो अपना एक नंबर भी? बिल्कुल खराब मत करो, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से प्रैक्टिस कर लो। थैंक यू सो मच।